वाड़ी में पानी समस्याओं को लेकर नगर सेवक नंदा गौरी आमरण अनशन पर। वाड़ी में पानी समस्या को लेकर नगर सेवक आशीष नंदा गौरी बुधवार से आमरण अनशन पर बैठे हैं। पहले दिन ही नागरिकों का भारी प्रतिसाद मिला। जब तक मांगे पूरी नहीं होती तब तक अनशन जारी रहने की जानकारी अनशनकर्ता आशीष नंदा गौरी ने दी। गौरतलब है कि MGP व नगर परिषद के गलत नियोजन के कारण वाड़ी में पानी समस्या निर्माण है। इस साल बिना भी पानी है लेकिन दूषित जलापूर्ति से नागरिक परेशान है। पिछले 35 से 40 साल पुरानी जलापूर्ति पाइपलाइन आज भी चला रहे हैं, जिसके कारण लाइन लीकेज होने से शुद्ध नहीं दूषित जलापूर्ति होने से नागरिकों का स्वास्थ्य खतरे में है। इस मुद्दे को लेकर नगर सेवक आशीष नंदा गौरी ने अनशन पुकारा है। पहले दिन ही अनशन पंडाल को नगराध्यक्ष प्रेम झाड़े, कांग्रेस की नवनियुक्त जिला परिषद सदस्य ममता थोपटे, भदंत संघ कीर्ति महाथेरू, वंचित आघाड़ी के पंचायत समिति सदस्य सुधीर करंजीकर, जिलाध्यक्ष नितेश संगले, राष्ट्रवादी कांग्रेस युवा जिलाध्यक्ष श्याम मंडपे, कांग्रेस के रॉबिन सेलारी, बोनी शेलारी, किशोर नागपुरी, प्रकाश कोकाटे, बसपा के नगर सेवक नरेंद्र मेंडे ने भेंट देकर आशीष नंदा गौरी को समर्थन किया। आशीष नंदा गौरी ने बताया कि वाड़ी में 2016 से राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल अंतर्गत टप्पा 3 का कार्य चल रहा है। 18 महीने में योजना पूर्ण कर वाड़ी को जलापूर्ति करना था लेकिन 3 साल बीतने के बाद भी जलापूर्ति नहीं हुई है, जिसके कारण वाड़ी को पिछले साल टैंकर से जलापूर्ति कर लाखों रुपए खर्च करना पड़ा। नियोजनबद्ध शुद्ध जलापूर्ति, निःशुल्क नल कनेक्शन, डेली जलापूर्ति, 15 दिन में पानी की जांच, वाड़ी शहर की जल को बसे जलापूर्ति करना और पानी का बिल माफ करना, यह नंदा गौरी की मांग है। जब तक समस्या का निराकरण नहीं होता तब तक अनशन जारी रहने की जानकारी नगर सेवक आशीष नंदा गौरी ने दी। वाड़ी की जलापूर्ति योजना जिस गति से होना था उस गति से नहीं हुई है। 5 से 10% काम होना बाकी है। मैं भी आम्बेडकर नगर निवासी हूँ, महिलाओं को बरसात में भी पानी नहीं मिलता तो यह शोकांतिका है। आशीष नंदा गौरी नगर परिषद सदन में भी लड़ते रहते हैं। जो मांग रखी है वह रास्त है, यह अध्यक्ष ने अपने भाषण में कबूल की। स्लम बस्ती में रहने वाले नागरिकों को 6 से 7 हजार रुपए भरना मुश्किल है। यह प्रस्ताव आया लेकिन मुख्याधिकारी ने विरोध किया है। अब विशेष बैठक लेकर यह समस्या रखूंगा व जो निर्णय होगा वह मैं बताऊंगा। मैं नागरिकों के समस्याओं के साथ होने का आश्वासन भी अध्यक्ष प्रेम झाड़े अनशन मंडप को भेंट में कहा। वंचित बहुजन आघाड़ी के जिलाध्यक्ष नितेश जंगले ने नंदा गौरी के अनशन को भेंट देकर लिखित पत्र देकर जाहिर समर्थन किया। जिला संगठक राजेश जंगले, वाड़ी अध्यक्ष सूरज वानखेड़े उपस्थित थे। नवनियुक्त वंचित आघाड़ी के पंचायत समिति सदस्य सुधीर करंजीकर उपस्थित थे। आशीष नंदा गौरी ने 2016 में भी पानी समस्या को लेकर अनशन किया था, तब से कुछ समस्या हल नहीं हुई है लेकिन अब दूषित जलापूर्ति से वाड़ी के नागरिक परेशान होने से अनशन को महिलाओं ने भारी मात्रा में नंदा गौरी को समर्थन किया। दिन भर महिला अनशन पंडाल में बैठी रही। बेबी वानखते, कांता खमगाए, आशा रामटेके, प्रमिला सोमकुवर, शिला कोटांगले, कांचन नंदा गौरी, कुमुद नागदेवी, किरण कंगाले, अर्पना लोखंडे, पूर्णिमा घुटके, संगीता नंदा गौरी, त्रिवेणी नवले, अमिता बिरहा, लक्ष्मी शिजापति, आशा घोड़े, वंदना मेश्राम ने अनशन मंडप में भेंट देकर नंदा गौरी को समर्थन किया। INBCN न्यूज के लिए वाड़ी से सुनील शेट्टी के साथ अभिषेक पानसी की रिपोर्ट।